सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है वन प्लस नॉर्ड 4 मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो किसी भी पर्सनल ऐप पर लॉक लगाना, तो आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप लॉक का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप लॉक के सामने टिक डिसेबल है, इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके आपको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना है, तो सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। 6 अंकों का प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, यूज पे क्लिक करना है, दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी आंसर में आपको कुछ भी डाल देना है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाओगे तो इसी सिक्योरिटी आंसर से आप प्राइवेसी पासवर्ड फॉरगेट कर पाओगे। ऊपर से एक निशान पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे आप आओगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। जिस एप्लीकेशन पर लॉक लगाना उसके सामने टिक इनेबल कर देना, तो वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉक हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो है बहुत सारी एप्लीकेशन पर लॉक लगा लिया है, तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेंगे अपना फेसबुक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमें बहुत सारी एप्लीकेशन पर लॉक लगा लिया है। अब जिस एप्लीकेशन के सामने टिक इनेबल कर दी वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉक हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पर लॉक लगाया, लेकिन आपको दिखा रहे थे यहाँ पे हमने फेसबुक पर भी लगाया, तो यार फेसबुक इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो फेसबुक सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। जो प्राइवेसी पासवर्ड डाला था वही आपके यहाँ पे डालना, डालने के बाद आपका फेसबुक जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वन प्लस नॉर्ड 4 मोबाइल में किसी भी ऐप पर लॉक लगा सकते हो। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।